किया ये तो बता दो मुझे, गाड़ी नोट पे नाम बता दो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मजनू का टीला स्थित पोलिंग बूथ पर कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मतदाता केंद्र पर पोलिंग एजेंट के रूप में आप कार्यकर्ता वहीं मौजूद थे। पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी अलका लांबा किसी से बात कर रही थी, तभी एक शख्स उनसे बार बार यह पूछ रहा था कि 22 साल का लड़का किसका है, यह तो बता दो एक बार। इस पर गुस्से में आकर चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने थप्पड़ मारने का प्रयास किया। हालांकि शख्स के पीछे हट जाने से थप्पड़ नहीं पड़ा। इसके बाद माहौल बिगड़ गया और पुलिस को बीच में बीच बचाव करना पड़ा। इस दौरान मौजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने इस मामले की जाँच जारी रखी। पार्टी के नेता संजय सिंह ने मारपीट की घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करने को कहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों में चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली विधानसभा में 11 बजे तक 6.96% मतदान हुआ। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 10 बजे तक 4.33% मतदान हुआ, जबकि 9 बजे तक 3.2% मतदान हुआ। मतदान शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला। इसके अलावा जस्टिस आर भानुमति, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी मतदान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन तीनों दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इस चुनाव में 672 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली के करीब 1.47 करोड़ मतदाता आज तय करेंगे कि दिल्ली पर किसका राज होगा। चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।